आज हम आपको दिखा रहे हैं भूतों के भानगढ़ किले के रहस्य के बारे में। हमने आपको दिखाया ब्रेक से पहले किस तरह यहाँ पर तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने फैला दी एक खौफ की दास्तां। एएसआई विभाग ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि किले पर रूहों का कब्जा है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। इसी रात से पर्दा उठाने के लिए आज जन टीवी की टीम ने इरादा किया इन रूहों की सच्चाई को जानने का। क्या ये रूहानी ताकतें सच में यहाँ हैं या सिर्फ हमेशा की तरह किस्सों और कहानियों में ही इनका अस्तित्व है? हम कोशिश करेंगे आज इनसे रूबरू होने की। भानगढ़ के हमने आपको मंदिर दिखाए, वो जगह दिखाई जहां पर कहा जाता है कि आज भी दुकानें सस्ती हैं, बाजार लगते हैं, भूतों के बाजार लगते हैं। भानगढ़ के बाजार भी हमने आपको दिखाए। आइए अब आपको लिए चलते हैं भानगढ़ के महल के अंदर, जहां कहा जाता है कि रानी इसी महल में रहती थी। महल में प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। अभी दिन का उजाला फैला हुआ था और हम इस खोई हुई विरासत का सच और इसकी खूबसूरती को निहारते हुए महल में दाखिल हो गए। ये खूबसूरत सात मंजिला महल बहुत ही कलाकारी और मजबूती से बनाया गया है। पूरी तरह से टूटा हुआ ये विशाल महल कुछ तो कहना चाहता है। ये जगह जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर कभी रानी का शयन कक्ष हुआ करता था और आज यहां पर तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भानगढ़ का किला जितना विशाल और खूबसूरत है, आज उतना ही खामोश भी। किले के ऊपरी मंजिल पर जाने पर आता है रानी रत्नावती का कक्ष, जो कि संगमरमर के पत्थरों से सुशोभित है। किले के इस छोर पर शिल्प कला के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि आज पूरी तरह से जर्जर हालत में है। इस कक्ष से बाहर आते ही कई दो मंजिला कक्ष दिखाई देते हैं, जहां पर चारों तरफ सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं है। महल के चौक में हमने देखा जहां पूरा महल एक खंडहर बन चुका था, वहीं एक मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस किले के बारे में जो किस्से कहानियां हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई का कुछ अंश तो है। इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे आज भी यहां पर पूजा पाठ होती है। मंदिर की दीवारों पर सिंदूर लगा हुआ था। कहा जाता है कि रानी रत्नावती इसी मंदिर में पूजा किया करती थी और आज भी करती हैं। हमारी टीम ने किले के अंदर और गहराई से छानबीन की और हम जितनी तेजी से इस महल के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ रहे थे, दिन का उजाला भी उतनी ही तेजी से हमारा साथ छोड़ रहा था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, यहाँ की कहानियों ने हमारे मन में अब डर का माहौल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन डर से ज्यादा यहाँ के राज को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। किले के ऊपरी छोर से इस उजड़ी हुई रियासत को देखकर हर कोई भयभीत हो जाता है। दिन ढलने लगा है, सूरज अस्त होने वाला है। कहा जाता है कि सूरज अस्त होते ही इस महल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को इस महल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आज हम इसी कोशिश में लगे हैं, यही जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर क्यों दिन ढलने के बाद यहां पर लोगों को
अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और पूरी रात यहीं रुकेंगे। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ मैं और मेरा कैमरामैन यहाँ पर इस महल के अंदर अब भी मौजूद हैं और आज पूरी रात हम यहीं पर रहेंगे और देखेंगे कि आखिर जो कहानी है, जो कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद यहाँ पर तीसरी दुनिया के लोग आकर घूमने लगते हैं, कितनी सच्चाई है इस कहानी के पीछे। सूर्यास्त में भानगढ़ रियासत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इंसानों के लिए कहा जाता है कि रात में इस किले पर छा जाता है एक काला साया। इस किले के असली हकदार करते हैं यहाँ की पहरेदारी। क्या राज है इन भटकती आत्माओं का? क्या ये वास्तव में यहाँ है या फिर एक कहानी? लेकिन आज इस राज का पर्दाफाश होगा। सूर्यास्त हो चुका है और अंधेरे ने भानगढ़ में अपने पैर पसार लिए हैं और हमारी टीम ने फिर वहीं से इस महल की सच्चाई जानने की शुरुआत की जहां से कई कहानियों का जन्म हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि स्पिरिट्स नहीं होती या भूत प्रेत नहीं होते, ये नहीं मानना चाहिए। अगर जो भी चीज संसार में अगर भौतिक स्तर पर है तो उसमें उसका सूक्ष्म स्तर तो जरूर होगा, उसके बिना संसार में कोई चीज चलती भी नहीं है। हर चीज की एक सूक्ष्म ऊर्जा होती ही है, सटल एनर्जी जिसको हम कहते हैं। तो स्पिरिट जो एनर्जी है, स्पिरिट्स कहीं पर भी होती ही है। मतलब रात के 8 बज रहे हैं और हम इस वक्त खड़े हैं भानगढ़ के बाजार में। कहा जाता है कि बाजार आज भी रौनक होता है। ये देखते हैं क्या है 8 बजे के बाद इस बाजार की स्थिति। अभी हम भानगढ़ किले के उस हिस्से में हैं जहां के लिए कहा जाता है कि रात में यहां लगता है भूतों का बाजार। सुनसान रास्ता और चारों तरफ पसरा है सन्नाटा। यहाँ का माहौल सच कहें तो बेहद डरावना लगता है। कई तरह की आवाजें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर अंधेरा इस कदर फैला है कि कुछ भी दिखाई देना असंभव लग रहा है। इस रोशन होने वाले बाजार की रात में जांच करते समय अचानक कई बार हमारी टीम को एक अजीब सी आवाज ने डराया। हमने इस आवाज का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं दिखा सिवाय लंगूरों और जंगली जानवरों के। रात के 9 बज रहे हैं और हम भानगढ़ के बाजार में हैं। कहा जाता है 8 बजे बाद ये बाजार रौनक हो जाता है, लेकिन अब तक हमें यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि डरावना हो या जिससे किसी भी तरह का हमें डर लगे। जौहरी बाजार के नाम से जाना जाने वाला ये बाजार आज की रात तो रोशन नहीं हुआ और हमारी टीम अब आगे बढ़ी जहां हमारा सामना हुआ वहां के जंगल से। यहां से रात में पानी की तेज बहाव की आवाज वहां के माहौल को और डरावना बना रही है और यहां के पुराने वृक्ष जो कि रात में किसी विशाल पिशाच की तरह लग रहे थे, लेकिन सच माने तो अभी तक हमारे हाथ सिवाय खोखले डर के कुछ नहीं लगा है। अब भानगढ़ में घूमते घूमते हमें आधी रात हो गई है और कहा जाता है कि आधी रात के बाद किले में कई बार लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब हमारी मुलाकात शायद भानगढ़ के भूतों से हो सकती है और यही सोचकर हमने किले में जाने का फैसला किया है। किले में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टीम के हर सदस्य के मन में एक अनजाना सा डर था और किले में सबसे पहले हमने एक तहखाने में प्रवेश किया जहां पर खूब अंधेरा पसरा हुआ था और वहां से चमगादड़ों की आवाज आ रही थी जो इस खंडहर को डरावना और खौफनाक बना रही थी। भानगढ़ के इस किले में कई गुफाएं हैं, कई तहखाने हैं। हम इस वक्त उन्हीं तहखानों में से एक तहखाने में खड़े हैं।
कहते हैं सूरज अस्त होते ही भानगढ़ के इस किले से सभी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन हम अब भी यहीं रुके हैं ये जानने के लिए कि सूरज अस्त होने के बाद आखिर क्या है भानगढ़ की कहानी। भानगढ़ किले के एक ऐसे तहखाने में हम इस वक्त हैं जहां पर अंदर घुसते ही एक अजीब सी दुर्गंध आती है। हम यहां पर अंदर घुसे तो हमें इस तहखाने के अंदर एक और तहखाना नजर आया। इस तहखाने में हमने अंदर जाने की कोशिश की तो हमें यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमने अंदर जाने की कोशिश की तो देखा कि तहखाना सीढ़ियां जा रही हैं यहाँ से इस तहखाने के अंदर, और नीचे जाकर ये सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। हम इसके नीचे नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से हमें अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तहखाने का ये रूप एक डरावना रूप है। किले में और आगे बढ़े पर फिर से एक बार एक सरसराहट की आवाज से हम सहम गए, और उस आवाज का पीछा करते करते हम उस तहखाने के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, और कहा जाता है कि ये वही जगह थी जहां पर रानी रत्नावती की रूह घूमती है, और ये जगह हमारे लिए बेहद डरावनी थी। हमारी पूरी टीम जुट गई इस गुप्त अंधेरे के पीछे छिपे राज को जानने में। लोग कहते हैं कि किले का यही वो हिस्सा है जहां पर उन्होंने कई बार कुछ संदिग्ध हरकतें होते हुए देखी है। आज हम यही पता लगाने आए हैं।